वेलकम बैक टू एमडीज कुकिंग अरीना। मैं आज बनाने जा रहा हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है मटन का पुलाव। मटन का पुलाव आप लोग सब घर में बहुत ज़्यादा बनाते होंगे, लेकिन आज इसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक मैं आपको देने वाला हूं एज वेल, और इसको बनाएंगे हम झटपट। तो मेरा नाम है शेफ अहमद हमाद एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल एमडीज कुकिंग अरीना। पुलाव बनाने के लिए जो ऑथेंटिक मेजरमेंट है मेरे पास है 1 किलो गोश्त और मैं ले रहा हूँ 1/2 किलो चावल, ठीक है। ये इस तरह की रेशो रहती है। और गोश्त को मैंने जो है वो स्टीम कर लिया है, मतलब गला लिया है और इसकी यखनी निकाल ली है, और चावल भी मैंने भिगोए हुए हैं। तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं, बासमती राइस है, इसको मैंने भिगो के साइड पर रखा हुआ है। और ऑनियन है मेरे पास ये 1/2 किलो, और इसको डाल के हम पहले करेंगे फ्राई और गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो बनाएंगे इसका। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, खुली कढ़ाई ले ली है, और इसमें 200 ml में ऑयल डालूंगा, ठीक है। 200 ml ऑयल डालने के बाद 1/2 किलो प्याज है मेरे पास, इस पोजीशन पे मुझे गोल्डन ब्राउन करना है। और इस ब्रिस्टा, जब भी प्याज को फ्राई करते हैं ब्राउन हो जाता है उसको ब्रिस्टा कहते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा ब्रिस्टा निकाल लूँगा जो कि हम चावलों के ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। ये मैंने ब्रिस्टा निकाल लिया है, और बाकी का प्याज जो है उसके अंदर हम बनाएंगे अपना पुलाव और इसकी करेंगे हम टॉपिंग। ये मेरे पास गला हुआ 1 किलो गोश्त है बकरे का, बकरे का गोश्त जो कि आप यूज़ कर सकते हैं पुलाव के लिए। उसमें सबसे पहले सीने का गोश्त 1/2 किलो ले लें, उसके साथ गर्दन का गोश्त ले लें या चांपे ले लें। मैं कहता हूँ बेस्ट कॉम्बिनेशन है पुलाव के लिए, सीना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जिसको हम ब्रिस्किट कहते हैं इंग्लिश में, वैसे हम उसको जो है वो सीने का गोश्त कहते हैं, या पंजाबी में सीने की गंडेरियाँ कहते हैं। अदरक का पेस्ट इस पोजीशन पे 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट इस पोजीशन पे 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट इस पोजीशन पे 1 टेबल स्पून, और आपने इसकी करनी है अभी भुनाई जी। मैं इसमें टमाटर डाल रहा हूँ 1/2 किलो, 1/2 किलो स्लाइस टमाटर, ठीक है। अच्छा, स्लाइस टमाटर मैंने डाले हुए हैं इसी पोजीशन पे। ये मेरे पास 3 बड़ी इलायची हैं, 3 छोटी इलायची हैं, और ये दार चीनी है 4 से 5 जो है डंडियाँ छोटी, ये मैं सेंटर में डालूंगा और मैं इस पोजीशन पे सेंटर में इसको तड़क लूंगा। अच्छा, इसको मैंने शुरू में प्याज के साथ क्यों नहीं डाला? जब भी गरम मसाला हम शुरू में इतनी ज़्यादा उसकी भुनाई कर देते हैं कि उसका फ्लेवर बिल्कुल ही जो है वो जलने की तरफ चला जाता है। टमाटरों के साथ मैंने इसलिए मसाले डाले हैं खड़े, क्योंकि जो हमारी बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी है उसका जो अरोमा है ना वो बिल्कुल मरे ना, या वो कड़वे की तरफ ना जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसके मसाले बाद में यूज़ किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर का मसाला बन चुका है, हमारा सारा रेडी हो गया है मसाला। इसमें मैं डाल रहा हूँ यखनी जो कि हमारी निकली थी गोश्त में से। टोटल मेरे पास 1/2 किलो चावल हैं, तो 1/2 किलो चावलों में मैं 750 ml जो है वो यखनी डाल रहा हूँ, ठीक है। यखनी मैंने डाल दी है, ये मैं 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसी के साथ ये मेरे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, और सूखा धनिया, ठीक है, 1 टेबल स्पून पीस के ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून, ये मैं शामिल करके इसको मिक्स करूँगा। ये हमारे मसाले हो गए, जो स्पाइसेस हो गए। इसी के साथ साथ अब मैं सीक्रेट, वो चीज़ सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिससे आपके सारे चीज़ों की जो है गोश्त की जो हीक है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। एंडिंग पे हमें लहसुन का इस्तेमाल करना है, लहसुन का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, और हरी मिर्चों का पेस्ट 3 टेबल स्पून, ठीक है। ये डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और पानी को जोश देना है, ठीक है। जैसे ही पानी में जोश आएगा हम अपने चावल डालेंगे, हमारे चावल जैसे ही पकेंगे ऊपर हम इसके ऊपर जो है वो ब्रिस्टा डालेंगे और दम लगा लेंगे। ये देखिए मेरे पास राइस है जिनको मैंने 1/2 घंटा भिगो लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा जोश आ चुका है।
इस टाइम पे आपने नमक भी चेक कर लेना है, लेकिन मैंने तो नमक पूरा डाला था, ठीक है, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी डाली थी। ये मेरे आगे राइस, बासमती राइस यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, और ये राइस डालने के बाद फुल आंच मेरी हुई हुई है और इसको मैं अच्छे तरीके से अंदर फैला दूंगा और हाई हीट के ऊपर ढक के मैं इसको 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। अच्छा, ये देखे, मैंने 10 मिनट इसको पकाया है। अब मुझे क्या करना है, चावलों की पोजीशन चेंज करनी है, नीचे वाले ऊपर लेकर आने हैं, ऊपर वाले नीचे लेके जाने हैं, ठीक है। वाओ वाओ, ये देखें, अब मैं क्या करूँगा, अपना जो चूल्हा है उसको बिल्कुल स्लो कर दूँगा, ठीक है, बिल्कुल दम वाली आंच पे, ठीक है, और इसको लगाऊँगा दम, ठीक है, तकरीबन 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का दम लगाऊँगा। बिल्कुल लाइट हीट कर दी है मैंने, ठीक है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और हमारा जो है दम लग जाए, और इसके बाद आपको खा के हम बताएंगे। लव इट। देखें, जब आपने स्टीम उठानी है तो आपने चावलों को हल्का सा सिर्फ खोलना है और कोशिश करेंगे स्टीम निकलने दें, ठीक है। जैसे स्टीम निकलेगी ना, तो हमारा जो चावल है ना, वो उसमें से मॉइस्चर कम होगा, जब मॉइस्चर कम होगा तो फिर वो खिला खिला नज़र आएगा और टूटेगा कम, ठीक है। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ब्रिस्टा, जो प्याज फ्राई हुआ ये डालेंगे, जो कि बहुत ही यमी लगता है। वेल, हमारा पुलाव जो कि मैंने बनाया है अभी कंप्लीट हो चुका है, आपको रेसिपी भी इसकी कंप्लीट मिल चुकी होगी, और मैं आपको खा के बताने लगा हूँ कि ये पुलाव, मैं यकीन माने, ट्रस्ट मी, जब आप चावल अपने स्मेल करते हैं या गोश्त को स्मेल करते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि ये चावल है ना, इसके अंदर से कोई बकरा या इस तरह की हीट भी आ रही है। मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि ये इतना मज़े का है। अब आप लोग यकीन तो नहीं करेंगे, बना के रेसिपी घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेरा ट्रस्ट कर सकते हैं वो कर लें, कि ये जो पुलाव है ना, ये बहुत मज़े का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, और रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।